वापस से अर्थिंग कर रहे थे, उससे पहले हमने मातृकों के प्रकार वो पहले थे मूल मातृक और लोकल मातृकों के बारे में। आज हमारा टॉपिक है लंबाई के सूत्र मात्र। तो इससे पहले वो वीडियो लेकर आपने मैंने क्या देखी गई देख लंबाई के सूत्र मात्रा देखते हैं, ठीक है। तो इसकी खाली पद्धति है जो आपको बता रहा हूँ। छोटे मात्रा जैसे आपने छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है, आप बहुत छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो, कुछ और मात्रा में ऐड कर रहे हो। जैसे कि आपको पता है लंबाई का मात्रा होता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मान क्या होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। तो अगर मुझे 1 मीटर के किलोमीटर में बदलना है तो हमें पता है 1 मीटर का होता है 10^-3 किलोमीटर, छोटा मात्रा क्या ठीक है, ये भी छोटा मात्रा है, यूज कर रहे हैं इस तरह, ठीक है। छोटे को बड़े लो, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे। छोटे क्लास में पढ़ा है, इसमें हम आगे और भी टर्म ऐड करते हुए चलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर होते हैं, एक यहाँ से समझिएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10^2 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 10^2 और मीटर स्क्वायर है, 10^-4 मीटर वो क्या यहाँ स्क्वायर है, तो दोनों में स्क्वायर रहेगा, दोनों मात्रा को स्क्वायर लगा रहे हैं, होगा 10^-4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और छोटे मात्रा को देख लीजिए, इसके बाद आता आपका अगला मात्रा 1 माइक्रो, ठीक है। 1 माइक्रो बहुत ही छोटा मात्रा है, 100 मीटर में बदल गया। 1 माइक्रो 1 मीटर बराबर होता है 10^6 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रो छोटे मात्रा पर है ना, तो 10^6 मीटर हम हर चीज़ को मीटर में बताएंगे, क्योंकि मीटर हमारी वेल नोन बन सकती है, हमें अच्छे से पता है। हम मीटर छोटे क्लासों को पढ़ने के बारे में पता चलना है। 10^6 का मतलब सभी को समझ में आ रहा होगा, पॉइंट के बाद 6 0 फिर 3, ठीक है। 10^6 का मतलब ये है 0.00000001 बहुत ही छोटा है, समझ गया। एक बता दिए इसके आगे हम डायरेक्ट लिखते रहेंगे, ठीक है। माइक्रो के बाद अगला मात्रक आपका आता है नैनो, एक नैनो 1 nm, ठीक है। दूसरा होता है 10^-9 मीटर, हो गया बहुत छोटा, और भी छोटा हो गया, इससे भी छोटा होता है 1 angstrom, 1 angstrom, मतलब 1 a के ऊपर जो नॉट लगाते हैं, जैसे 0 लगा रहता है, ये होता है 10^-7 मीटर के बराबर, ठीक है। उसके बाद अगला होता है 1 pico, ठीक है। इसको 1 pico है, ये बराबर होता है 10^-12 मीटर, 10^-12 मीटर। और लास्ट मात्रा में यहाँ लिख रहा हूँ इस टाइम लिखे 1 m², इसको 1 m³ है, वो बराबर होता है 10^-17 मीटर, हो गया। तो ये सारे इसके लंबाई के अपने कुछ मात्रा है, ये सब आपको याद होना चाहिए, वेल पूछे जाते हैं मेरे पास पेपरों में। 1 cm² के बराबर होता है 1 cm² के बराबर होता है, 1 cm से कन्वर्ट भी कर सकता है, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 cm होता है, और 1 cm में 10^-2 मीटर होता है। तो आप इसको सेंटीमीटर मीटर किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको लाइन से इस तरह से बता दिया गया आपको, ठीक हो गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 10^-3 किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और 1 cm में 10^-2 मीटर होता है, 1 cm² में 10^-4 मीटर² होता है, 1 माइक्रो में 10^-6 मीटर, 1 nm में 10^-9 मीटर, 1 angstrom में 10^-10 मीटर, 1 pico में 10^-12 मीटर, और 1 farad में 10^-16 मीटर हो गया। ये हो गया आपका लंबाई के अधिक सूत्र मात्रा, ये आपको अच्छे से याद भी होनी चाहिए, नॉर्मल होगा, जल्दी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखिए। थैंक यू।